जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, ये जो मुल्कों के जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स, वहां ये रिवाज नहीं है सुओ मोटो का, और सुओ मोटो को भी जुडिशियल एक्टिविज्म में लिया जाता है। तो यहाँ अगर जो फर्द वाहिद के पास एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी अगर दो या तीन लोग या उससे ज्यादा लोग अगर उसको जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक डेमोक्रेटिक आप निजाम की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर एक जहन के बजाय तीन जहन काम करते हैं। यानी किसी जो इदारे का सरबरा है वो आजादाना फैसला ही ना कर सके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अगर किसी ने जो वो जो रेकमेंडेड जो चेंजेस हैं या अमेंडमेंट हैं वो बिल अगर किसी ने पढ़ा है, तो उसके अंदर जो है कोई किसी के इख्तियारात कम नहीं किए जा रहे, इख्तियारात सुओ मोटो के मौजूद रहेंगे, लेकिन अब वो एक मिनिमल जो है वो तीन मेंबर कमेटी जो है वो उसके ऊपर बैठेगी, और फिर राइट ऑफ अपील दिया जा रहा है। देखिए, जब कोई सुओ मोटो लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये दुनिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, ये जो मुल्कों के जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स, वहां ये रिवाज नहीं है सुओ मोटो का, और सुओ मोटो को भी जुडिशियल एक्टिविज्म में लिया जाता है। तो यहाँ अगर जो फर्द वाहिद के पास एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी अगर दो या तीन लोग या उससे ज्यादा लोग अगर उसको जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक डेमोक्रेटिक आप निजाम की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर एक जहन के बजाय तीन जहन काम करते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, और इस मुल्क के अंदर जो इसकी तारीख है उसके अंदर आपने देखा कि जिस तरह जस्टिस साकिब निसार साहब एक वो काला कह लें कि वक्त है या ब्लैक टाइम था जुडिशरी के अंदर, जहां जो व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बनी, और अब जो हकायक सामने आ चुके हैं जिस तरीके से चीजें मनूवर की गई, यहां उससे पहले डोगर कोर्ट्स पे आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि जब तीन लोग फैसला करेंगे तो वो फैसला ज्यादा पायदार होगा, उस फैसले में ज्यादा वजन होगा। तो मैं समझता हूं कि ये आप जो जुडिशियल रिफॉर्म्स कर रहे हैं इससे जुडिशरी की स्टार्ट बेहतर होगी। आज पाकिस्तान की जुडिशरी जो है 132वीं रैंक करती है 140 में से रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स के अंदर, तो हम सिर्फ 8 पॉइंट नीचे हैं दुनिया की बदतरीन जुडिशरी होने के अंदर। तो ये इसी तरह की रिफॉर्म्स हैं जो जुडिशरी की साख को बहाल करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशहाली चीज है, और जब तो राणा साहब ये जो ठीक है चलिए ये बात आपके पॉइंट आ गया ठीक है, लेकिन अब ये जो आवाम सफर कर रही है, अफसोस के साथ मैं कहूंगी उर्दू वाला सफर भी कर रही है, अंग्रेजी वाला भी कर रही है, जो यहाँ रह रहे हैं वो अंग्रेजी वाला सफर कर रहे हैं, महंगाई होती चली जा रही है, आमदन वही है लोगों की, लेकिन जो बजट है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आपकी जो अशिया आप जितने में लेते थे, आपका जो बजट 20,000 था जिसका उसकी आमदनी वही है, लेकिन अब वो चीजें अगर 40 की नहीं तो 35 की आ रही है, वही जो ग्रॉसरी आप करने जाते हैं, जो भी आपके अखराजात हैं, बिल्स आते हैं। अब कुछ लोग हैं जो देखें बड़े काबिल स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, यानी हमारा टैलेंट है, हमारा एसेट वो बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके वो सर्व करेंगे, यानी वो उर्दू वाला सफर करें, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? मईशत जो सफर कर रही है, महंगाई जो होती चली जा रही है, इस हवाले से आप लोग क्या सोच रहे हैं? इंतखाबात क्या वाहिद हल नहीं? आपके जल्द अज जल्द पॉइंट है वो वैलिड है, महंगाई बहुत और आप इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को बड़ा बेहतर समझते हैं राणा साहब जी। मैं अब बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि ये मुश्किल तरीन हालात हैं पाकिस्तान की हालिया तारीख के अंदर, माशी तौर पे, और एक आम आदमी पे महंगाई की एक बहुत बड़ी बोझ जो है वो आ रहा है। लेकिन इसके अंदर देखें हमारी हुकूमत ने क्या किया है, हमारी हुकूमत ने वो शरायत पूरी की है IMF की, और उसके जरिए वो सारी ये महंगाई भी आई है, डिवेल्युएशन भी हुई है, और जो एक तसलसल एक बुरी मीशत का हमें मिला उसको हमने संभाला देने की कोशिश की है। अगर हम ये ना करते तो खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर देता, और ये जो महंगाई की शरह है उससे 4-5 गुना ज्यादा शरह हो जाती। तो हमने ये मजबूरी के फैसले किए हैं, हम समझते हैं कि महंगाई है, और इस महंगाई के अंदर जो हम रिलीफ जो हमारे पास मुमकिन तौर पर, देखें ये गरीब मुल्क है, जो मुमकिन तौर पर रिलीफ हम जो मुतासर तरीन तबका है उसको बिस्फ के जरिए, जिस तरह अभी सस्ता आटा दिया जा रहा है उसके अंदर जरूर मसाइल हैं, फीडिंग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो मुतासर तरीन तबका है उसको रिलीफ दें। अभी हम वेजेस इंक्रीज करने की बात हो रहे हैं कि मिनिमल वेजेस को इंक्रीज किया जाए, और ये भी याद रहे कि दुनिया के अंदर भी एक जो है एक अनसर्टेंटी और रिसेशन का माहौल है, और एक मुश्किल वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास वो बफर नहीं है उस धचके को जो एक एक्सटर्नल शॉक जो रशिया रूस की जंग की वजह से भी आया, तो वो हमारी इकोनॉमी ज्यादा एक्सपोज हो गई है। लेकिन हमारे पास जो रास्ता था IMF का
हम उस तरफ गामजन है और हमें उम्मीद है कि ये रिव्यू जब मुकम्मल होता है तो एक माशी इस्तेहकाम जो है वो मीशत को जरूर मिलेगा।